आज दुकान का सामान ख़त्म हो चुका है, गैस ख़त्म हो गई है 2 दिन से, और सामान भी ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं कि जो चटनी होती है, जो सॉस होता है, सॉस भी ख़त्म हो चुका है, और जो है बंधा गोभी भी ख़त्म हो चुका है, मर्चा थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आज दुकान का जो ब्रेड पकौड़े का दुकान हम लोग लगाते हैं, ब्रेड पकौड़े और चाउमीन का दुकान बाहर में, उसकी कुछ सामग्रियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो आज सामग्री लेकर आएंगे बाज़ार से। वीडियो के आखिर अंत तक बने रहिएगा दीदी भैया, आज सारा कुछ सामान लेना है, बंधा गोभी, सॉस, चाउमीन, ये सब ख़त्म हो चुके हैं, और रद्दी पेपर, अखबार का कागज़ भी ख़त्म हो चुका है, तो वो भी लेना है। बस नाश्ता करके निकलेंगे बाज़ार के लिए हम, तो वीडियो के आखिर अंत तक बने रहिएगा। रोटी हमारा भी पक रहा है। ये सारा सामान हम ले लिए हैं, तो दीदी भैया आज बन रहा है भभरा, और इसमें कुल मिश्रित सामग्रियां हैं, काले वाला चना और प्याज और लहसुन का पेस्ट और बेसन, और इस सब का मिश्रण तैयार कर लिया गया है, और इधर बेसन का लेप है। मिर्च, हरे हरे हरा मिर्च भी है, और ये हमारा छोटा सा सेटअप है, छोटी वाली गैस और छोटा वाला गैस चूल्हा, और इसमें है लाल मिर्च, लाल मिर्च मिश्रण, लाल मिर्च पाउडर। और हम लोग आज नया एक शुरुआत करने जा रहे हैं, फिर से एक नई सामग्री के साथ, एक नए खान पान स्नैक्स के साथ है, जिसका नाम भभरा है। तो भभरा की रेसिपी आप लोगों को बताएंगे आज, भभरा कैसे हम लोग बनाते हैं गांव में। और ये मैं अपने खान पान की स्टॉल के पास, जो हमारा एक छोटा सा टेबल है, उसी पर हम सारा चीज़ रख कर बेचते हैं, और 2 पैसे उससे अर्जित करते हैं, 2 पैसे कमाते हैं, ताकि हमारा घर परिवार चलने में आसानी हो, और उसी से हमारा जीविकोपार्जन चले। तो आप लोग वीडियोस के आखिर अंत तक बने रहिएगा, और जो भी हमारे दीदी भैया हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, निवेदन है, अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो हमारे वीडियोस को शेयर करें। दीदी भैया आप लोग पर ही अब निर्भर करता है कि आप लोग चाहेंगे तो हमें आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि यूट्यूब से भी कुछ 2 पैसे का अर्जित हो पाए, 2 पैसे हम उससे प्राप्त कर पाएँ। और ये हमारे 3 बच्चे हैं, प्रज्ञा, और इधर प्रेरणा, और उधर अभिनव, ये थोड़े बहुत 3 बच्चे भी योगदान देते हैं अपना हमारी दुकान में, जो हम लोग खान पान की दुकान लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं टेबल पर, तो ये 3 बच्चे भी उसमें अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा योगदान देते हैं, स्कूल से आने के बाद, विद्यालय से आने के बाद। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, अभी तो तेल गरम नहीं है, लेकिन गरम होने के बाद, गरम होने के पश्चात ये इसमें गोलाकार में ले लेंगे हम, पहले आकार, गोलाकार आकार में इसे गोल करेंगे, और गोल करने के उपरांत ये कुछ अगर गोलाकार आकार में हो जाएगा, तो इसमें हम गरम तेल में डालेंगे और फिर उसे निकालेंगे, तो थोड़ी देर बाद इसमें हम गरम तेल में डालेंगे। और ये इस प्रकार से डाल दिया जाता है, और करीब 2-3 मिनट पकने के उपरांत, पकने के पश्चात
तेल में खोलने के पश्चात इसे वापस फिर से निकाला जाता है और फिर उसे समतल करके चपटे आकार में किया जाता है और फिर से चपटा आकार करके फिर से वापस तेल में डाला जाता है। यानी कि अभी इसे हम आधा पकाएंगे, हाफ बॉयल जिसे कहते हैं, आधा पकाएंगे और उसके बाद पुनः फिर वापस से दोबारा पकाएंगे। पहले आधे खान दो तो इसे अच्छी चापत कर दीजिए। हम अच्छी तो अच्छी खा ली तो फिर सोचते हैं ना कि बोल बोल खाना ही जाता है तो फिर चापत कर क्यों होता है। ये अब निकाल लेंगे हम लोग इसे, इसको वैसे निकाल लेंगे। इसको इस तरह से रख, प्लास्टिक पे फिर इस तरह से हाथ में चिपके, नहीं गर्म है ना। तो जैसा कि आपने देखा, पहले गोलाकार करके हम लोग निकाल लेंगे और इसे चपटा करेंगे और फिर वापस से इसको पुनः छानेंगे फिर से पकने तक, और ठीक उसी प्रकार इसको भी चपटा करके फिर से छानेंगे हम लोग, यानी कि तलेंगे। छानने से भी प्राय है तलना। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, तो ये हो गया है। अब हमारा भभरा जो है पूरी तरह तल के पक के तैयार हो गया है। जोड़ जाएगी तो कपड़वा इधर। तो दीदी भैया देखिए, कुछ बच्चे आए हैं तो उन्हें हम ब्रेड दे रहे हैं। ब्रेड बाबू ना कितना? एको तोरे ना। अच्छा, ये ब्रेड पकौड़ा है। ये ब्रेड पकौड़ा हमारा ढेरे मानी, ये भी और ये भी दोनों। मिर्चा मिर्चाई ना,
अच्छा मिर्चाई है ठीक ये दोनों ढेर मान ली अच्छा इधर देखा मिर्चाई डाल दी है अच्छा बस ना यह ना लो बाबू ये आप लीजिए और एक आप लीजिए और कौन लेगा तो रो और एक ये भी बच्ची आ गई है इधर आ जा इधर इधर आ जा मार दो बुके लावी थी दृष्टि रानी उसने बुलाया ये कोची तो कह चलो अब कह तो ना ये वो चीज़ बा मोर भी भंग सात रुपया काट के 45 हाँ इधर दिखा दो इधर बचपन खाए इधर इधर दिखा दो तो अभी तो ख़त्म हो गया है दीदी भैया और ब्रेड अभी तल रहा है छना रहा है चलो रख लें।